दो सीटी ये तो लगी थे बेटा शिवाजी महाराज को वहाँ ले गए थे औरंगजेब के दरबार में। हाँ। तब उनसे धोखा किया, उनको जेल में डाला। हाँ। उसके बेटे से फूल बरसाया करते थे। अच्छा। राजा का दरबार लगता था। आम्ही आत्ता पोहोचलोय अंबर फोर्टला आणि इथून एक जीप आहे, ती जीप घेऊन आम्ही वरती जातोय। तुम्ही पायी पायी जाऊ शकता, एलिफंटवर बसून जाऊ शकता, हत्तीवरती किंवा जीपने जाऊ शकता। तर आम्ही जीपचं ऑप्शन घेतोय। असं एलिफंटवर बसून पण जाता येतं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। फर्स्ट टाइम है सर आप लोगों का? हाँ फर्स्ट टाइम है। यह है विलेज आमिर, ठीक है, नौकरने में। वैसे अम्बिर बोलते हैं, बी साइलेंट है जब बोलते हैं ना। हाँ। बी साइलेंट है, पैलेस है वो टॉप पे है। 400 साल पुराना बिल्डिंग है, विलेज है 1000 साल पुराना है। और आपने नाम सुना जोधा भाई का? यस। उनका पैलेस अलग है, उनकी शादी के बाद में वो पैलेस बना है। फिर वो जयपुर सिटी में चल गया, अभी भी जो राजा है वो सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। सिटी पैलेस टॉप पे जयगढ़ फोर्ट, और अंदर में एक टेंपल है शिला माता काली माता का, वो उनके अंडर में। बाकी सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंदर गया। अच्छा। जगह जो आप देख रहे हैं इसका नाम है पन्ना मीना कुंड। पन्ना मीना कुंड, और इंग्लिश में स्टेपवेल, ठीक है। ये आता है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आता है चांद बावड़ी आबा नदी, जो दोसा के अंदर है। पानी वगैरह सब पहाड़ों से आता है, बारिश का अंडरग्राउंड सब नीचे से सिस्टम आता है इसका। अच्छा। और जो लास्ट लिमिट है पानी की, जब बनाओ ना यहाँ तक आता है तब तेज बारिश रहती है, और ये लास्ट है। इसके बाद में कितनी भी तेज बारिश हो इससे ऊपर पानी नहीं आएगा। उसका कारण यह है, जो पास में फ्लैग देख रहे हैं ना, यहाँ एक मंदिर है अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो स्टेचू है 5 फुट नीचे, वहाँ पानी अपने आप बाहर आने लग जाते हैं जब पानी का लेवल वहाँ पे आएगा। यहाँ शूटिंग हुआ है दबंग 3, आर्या, धड़कन, उन मूवी का शूटिंग यहाँ पर। और जब से पैलेस का ये वाला व्यू है तब से एक फोटो पॉइंट बढ़ गया, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और आपने भूल भुलैया मूवी देखी? हाँ। जो राजपाल यादव ढोल वगैरह बजाता है। अपन गाड़ी से जब चलेंगे ना तो ट्री है उसके नीचे गोल स्पेस जगह है, जहाँ वो बैठता है और ढोल वगैरह बजाता है। शूटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। वीर है, बोल बच्चन, जोधा अकबर, स्वदेशी रोमांस, और साउथ का इतना होता है कि नाम ही याद नहीं रहा। फोटो अपने ले ली, अब पैलेस के लिए चलेंगे। टॉप पे जो आप देख रहे हैं वो है जयगढ़ फोर्ट, वो आर्मी के लिए हुआ करता था। हाँ। और वो आज भी प्राइवेट है जिसके राजा सिटी पैलेस के अंदर रहता है। अच्छा। राजा की उम्र 23 साल है, पद्मनाभ सिंह उनका नाम है, इंग्लैंड से वो स्टडी करता है, और जो अपना पोलो आता है ना उसके बहुत अच्छे प्लेयर भी है। सामने जो फ्लैग देख रहे हैं वो तिरंगा नहीं, वो राजा का सिग्नल है। वहाँ एक फ्लैग और होता है छोटा ऊपर की तरफ, बट वो रिमूव है वहाँ से, मतलब राजा इस समय सिटी पैलेस के अंदर नहीं है। अच्छा। ऐसे ही दोनों फ्लैग सिटी पैलेस के अंदर लगे हुए, आप जब जाओगे ना जैसे आप एंट्री करोगे तो ऊपर सिटी पैलेस के ऊपर टॉप पे भी लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, वो उनका सिग्नल है। उसी के जस्ट पीछे एक रखा गया है, सब जो बिल्ड के सबसे बिगेस्ट जो कैनल है ना। हाँ। वो उसी के अंदर रखा गया है, और जो कैनल है उसमें 50 kg का गोला लगता है। सामने वॉल जो आप देख रहे हैं पैलेस का सेफ्टी वॉल है, अबाउट 10 to 12 kilometers का ये राउंड कर रहा है, विलेज और सेफ्टी के लिए बना हुआ है। जयगढ़ से स्टार्ट होता है, वापस घूम से जयगढ़ से अटैच हो जाता है। ठीक है। सामने बने वॉच टावर, पहले के जमाने में फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, सोल्जर वगैरह वहाँ खड़े रहते थे, अगर कोई एनिमी अटैक के लिए आता था वो राजा का सिग्नल वगैरह वहीं से दिया करते थे। और जितनी भी पुरानी बिल्डिंग वगैरह सब सर्वेंट के लिए हुआ करते थे। अच्छा। सिटी जो आप देख रहे हैं इसमें कुल 365 टेंपल है, 365 मंदिर है इस विलेज के। अच्छा। अब मैं आपको फोटो निकाल देता हूँ, फिर अंदर चलते हैं। ओके। 10 rupees तो रेंट पर। हाँ 10 rupees के जस्ते हैं। अच्छा। तो ये फर्स्ट कोर्टयार्ड है इस पैलेस का, ऐसे अंदर में 3 कोर्टयार्ड है। अच्छा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एग्जिट। ओके, फर्स्ट, हाँ उधर से एग्जिट का है, जहाँ से अपन एंटर्ड हुए। इस गेट का नाम है चांद पोल। चांद पोल मीन्स गेट, मून गेट। ठीक है। ऐसा ही गेट सामने जिस गेट का नाम है सूरज पोल, सन गेट। अच्छा। सन गेट, मून गेट, ये जो गेट है राज परिवार के लिए हुआ करता था। राजा वगैरह इधर से आया करते थे, उनकी फैमिली वगैरह इधर से आया करती थी। अभी भी जब राजा टेंपल के लिए आते हैं ना वो इस तरफ से आते हैं। अच्छा। एक एलिफेंट यहाँ पे ऐसे आते हैं और एक फैदर का।
एलिफेंट आते हैं नीचे। हाँ, जैसे अपन जीप से भी कम के है ना, ऐसे एलिफेंट पे आप लोग बैठ के आते हैं 1100 उसके अभी भी इस अभी के एलिफेंट आते हैं ना अभी भी, अभी को टूरिस्ट ये नहीं आएंगे, 11 बजे तक चलते हैं। अबाउट 100 एलिफेंट है जो विलेज के अंदर रहते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर का विलेज बना हुआ है, वो वहीं पे रहते हैं सारे एलिफेंट। मॉर्निंग में आते हैं 8 से 11 बजे तक चलते हैं, ठीक है, फिर वो वहाँ पे चल जाते हैं। और जब बैठ के लोग आते हैं वो एक साइड ही अलाउ है, उसके बाद में पैदल या वो गाड़ी से जाना होता है। अच्छा, सामने जो गेट देखते हैं इस गेट से लोकल पब्लिक वगैरह आ जाते हैं, अभी ये गाड़ी का रास्ता है। और नीचे जो ये सामने ये देख रहे हैं रूम्स, ये सब हॉर्स वाले घोड़े वगैरह के, घोड़े वगैरह इसी में माना जाते थे। ऊपर जो खिड़की वाले रूम से राजा की सेफ्टी के लिए जो सैनिक रहते थे वो यहाँ रहते थे, बाकी की आर्मी है जो जगह फोर्ट के अंदर रहा करते थे। और जो जगह आप खड़े हैं, इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक, ये एक परेड ग्राउंड है, राजा वगैरह की आर्मी यहाँ परेड क्या करती थी। टॉप पे दो छतरियाँ देख रहे हैं वाली, एक में राजा बैठा करता था, एक में रानी बैठा करती थी, जितने भी कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे वो वहीं से देखा करते थे। अच्छा, और मूवी वगैरह देखी आपने बोल बच्चन, हाँ। नचले नचले वाला गाना, हाँ। यही कहा नचले नचले, हाँ। अभिषेक बच्चन का। दीदी देखी आपने, वीर जो सलमान खान घोड़े के ऊपर जाता है वो इधर से आता है, यहाँ पे फाइट होती है, जो फाइटर है वो बीच में, दोनों ट्री है ना उनके बीच में से निकलता है, एक लकड़ी का पूरा महल बनता है। ओके, ठीक है, उस समय भी गेस्ट के साथ हम यही रहते हैं, देख सकते हैं बंद नहीं करते वो। हाँ, ऊपर में जो ग्रीन ड्रम देख रहे हैं उस जगह कहता है नौबत खाना, ये राजा वगैरह के समय से ढोल वगैरह बजते आ रहे हैं, वो आज ही बजते हैं मॉर्निंग में 8 से 10, अभी बंद हुआ है, 8 to 10 एवरी डे आपके वेलकम के लिए बजाया जाता है। जो पैलेस का ये वाला यहाँ से फर्स्ट एलिफेंट आता है और जो मेन डोर है वो 8 बजे ओपन होता है, 8 से 10 एवरी डे 2 आवर वो जाता है। अच्छा, आज भी किल्ल्याच्या आत जात असताना जो गाइड होता तो आमचा बदललेला आणि आम्हाला एक दुसरा गाइड मिळालेला। राजा का स्वागत करती थी, खिड़कियों से फूल बरसाया करते थे। अच्छा, राजा का दरबार लगता था, इसको कहते हैं दीवाने आम, जनरल मीटिंग एरिया, पब्लिक नीचे, यहाँ राजा, राजा के मंत्री, वहाँ 27 दीवान और रानियां झरोखों में बैठ कर देखती थी मीटिंग सभा होती थी, रानियां पर्दे में रहती थी तो पर्दे में से वहाँ से देख लेती थी सब कुछ। अच्छा, और जो फैसले लेते थे गार्ड के द्वारा रिपीट करवाते थे, आम जनता भी सुने और राजा भी वहाँ बैठ कर आराम से उन राजा के फैसलों को सुन सके। अच्छा, राजस्थान में गणेश फूल आची फ्रेस्को पेंटिंग जो मुगल डिजाइन है, मुगल कारीगरी है, कलर वेजिटेबल। अच्छा, पूरा गोल्ड, हाँ, रियल गोल्ड, रियल गोल्ड। और ये बाकी जो है कलर स्टोन्स के, जेम्स के, जेम्स के, हाँ, यहाँ जेम्स का काम होता है कटिंग पुलिस, हम आप जा रहे हैं दीवाने आम से दीवाने खास। जोधा अकबर का सीन है, जोधा अकबर का सीन इथे शूट केलेला आहे, फिल्म बनेगी, कबूतर उडवतो त्यावेळेस, जश्ने बहारा। हे आहे शीश महल, इस शीश महल को बनवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने बेल्जियम से शीशे मंगवा करके, सभी कॉन्वेक्स मिरर, सिंगल लाइट का रोशनी अनेक जगह जाएगा, मल्टीपल लाइट बनेगा, जिससे हीट सिस्टम होगा, यानी कि नेचुरल हीट है सर्दी के लिए और वो समर के लिए, ये विंटर में रहने के लिए, वो समर में रहने के लिए। मुगल डिजाइन है, बाहर पर्दे लगाते थे, अंदर कारपेट वगैरह बिछाने के बाद जो वेल्यूम चलती थी उनकी लाइटें शीशों से रिफ्लेक्ट होती थी, क्योंकि शीशा कॉन्वेक्स है और ये बेल्जियम मिरर, तो सिंगल लाइट का रोशनी मल्टीपल लाइट में कन्वर्ट होता है, जिससे अंदर का वातावरण धीरे धीरे हीटर की तरह गर्म एसी का काम। अच्छा, ये राजा का मीटिंग प्लेस, वो राजा का रूम, दोनों साइड में रानी के रूम, कंप्लीट कारीगरी मुगलों की, क्योंकि वो दो शाहजहां का था, तो शाहजहां के समय इसको बनवाया मिर्जा राजा जयसिंह जी ने। अच्छा, ये मुगल आर्मी में सेनापति रहे हैं जयपुर के राजा शुरू से ही। अच्छा, आपने बताया था ना इतिहास 1562 में समाप्त हुआ था। कसलो भारी काम केलेले आहे, किती वेळ लागला सर? अलग अलग जानवरों की बॉडी पार्ट्स थी, ये बिच्छू जैसा, हाँ। सांप की जोड़ी की तरह, हाँ। केकड़ा, हाँ। फिस, हाँ। हाथी का सूंड की तरह नीचे वाला पार्ट, हाँ। ये केले का पत्ता है, तितली है, तितली में देखो हाथी के कान की तरह डिजाइन, समुद्र की सीपिंग की तरह भी है, हाँ। और इसको नीचे से देखेंगे तो हनी भी मधु की तरह लगता है, हाँ। ये एंगल से देखेंगे चीटी खरगोश के सर की तरह लगता है, ये देखेंगे आपको पिको की तरह लग नजर आएगा, पिको का गर्दन होता है, ये इंसान के कान की तरह बना हुआ है, ये मक्के का जो होता है ना सिट्टा या भुट्टा, हाँ। इसकी तरह इसमें मल्टीपल आर्ट है, यानी कि हिंदू और मुगल कारीगरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, दो आर्ट को मिस किया है। ये इनले का काम व्हाइट मार्बल में काला मार्बल हाथ से लगाया गया है, कोई मशीन नहीं थी, हाथ से खोद कर के सैनी हथौड़े से ये लगाया गया, तो उस जमाने में कितना पैसा मिलता था, 2 टका, इट मीन्स 100 टका 1 पैसा, 100 पैसा 1 रुपया, ये बिल थी सीनियर आर्टिस्ट की, जो अच्छा आर्टिस्ट होगा।
उसको, बाकी कुछ खाना उस वक्त उसकी भी कीमत ज्यादा होगी। दो टके में बहुत वैल्यू थी, दो टके में बहुत कुछ हो जाता था। आज डॉलर चल रहा है अपने 70 रुपए, डॉलर 70 माइनस में था। अच्छा, तो उसकी वैल्यू तो अपने आप ही हो गई। हाँ, आओ। कारपेट जो स्टाइल है वो मुगलों की है, ये मुगल कारीगरी से बना हुआ है, क्योंकि इनके मुगलों से अच्छे संबंध रहे हैं जयपुर वालों के। हाँ, इन्होंने मुगल आर्मी को लीड भी किया। ये मिर्जा जयसिंह का है, मिर्जा जयसिंह जी छोटे। हाँ, आपके शिवाजी महाराज के समय। हाँ, उनका महल है। अच्छा, इनकी और शिवाजी महाराज की दोस्ती थी, ये तो लेके थे मिर्जा जयसिंह शिवाजी महाराज को वहाँ ले गए थे औरंगजेब के दरबार में। हाँ, तब उनसे धोखा किया, उनको जेल में डाला। हाँ, उसके बेटे राम सिंह ने उनको वहाँ से रिलीज किया। अच्छा, श्याम सिंह ने रिलीज किया। श्याम सिंह को फिर मरवाया औरंगजेब ने, बाद में इनको मरवाया झरने करके औरंगजेब ने। अरे, तो श्याम सिंह के नाम से श्याम बाग, नीचे जो परियों का बाग मावठा तालाब से आगे जो गार्डन है वो है। अच्छा, देखो छत पे पानी के टैंक्स बने, तालाब का पानी पुलिस सिस्टम से खींचते थे, वो पानी छत पे पहुंचाते थे टैंकों में, उसमें परचून गुलाबजल डालते थे। वो पानी आपको यहाँ गया था सामने से दिखेगा, बहुत गर्म थे, यू बोलते हमारी भाषा में, या स्ट्रॉन्ग कहे स्ट्रॉन्ग एयर वहाँ से आएगा। मेरे यहाँ फर्स्ट ग्रास के कटे लगेंगे तो अंदर से फ्रेश होगा, ठंडा होगा। एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से बहेगा, फ्लो होता हुआ गार्डन में जाएगा, पानी ठंडा छत में चार दिन स्विंग चेयर झूले के, जिसको भी झूले में बैठना है पानी पॉइंट होता है तो गर्मी में क्या मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा, क्या करेंगे, सुख मिल गया उस गर्मी के मौसम में। रेस्ट करने के समर अभी समय है। 5 गेट है जिनमें से एक ये है, एक बाहर सेपरेट अपार्टमेंट में खुला हुआ है सुरंग जयगढ़ जाने। देखो क्रॉस एयर सिस्टम है महल में सब जगह, हवा के देखो जगह जगह छेद, ये होल दे रहे हैं छेद, ये हवा बाहर आने के लिए दे रखे हैं। अच्छी हवा पूर्व से चले चाहे पश्चिम से चले, महल में जरूर एंट्री करेगी। अच्छा, किसी भी जगह आपको ये फील होगा कि हवा नहीं आएगा। ये दीपक नहीं है, ये रखते चले तो ये इन चप्पल लोकांनी वाट लावून टाकली सगळे दिसतात काही पण। ये सिटी व्ह्यू, सिटी व्ह्यू। हां, ये सर्वेंट अपार्टमेंट है जिनमें कुछ दिनों पहले 8 जनवरी मीना बाजार खुला हुआ था, अभी वो नीचे शिफ्ट हो गया। अच्छा, यहाँ नौकर रहते थे इस महल में काम करने वाले। अच्छा, एम्प्लॉय। हमने नीचे जस्ट बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी है, जो मूवी जोधा अकबर की जो आपको नीचे दिखाएंगे हम चलेंगे यहाँ से। हाँ, तो उस फिल्म में एक सीन होता खाना बनाया कुकिंग का। हाँ, लोग छोड़ गए। और ये शहर है, सिटी है, वो पुराना महल है जो दिख रहे हैं बड़ा सा बिल्डिंग बीच में, इस फूटे टूटे हुए बिल्डिंग से आगे वाला नीले मकान के जस्ट पास में, तो ओल्ड पैलेस है 1100 स्टार। अच्छा, उसी के पास आप देखोगे ब्लू पेंटिंग टाई डाई का जो वर्क करते हैं उसे महल के वहाँ जाकर देखोगे। अच्छा, और जो घूमट है वो। हाँ, ये मानसिंह पैलेस इधर वाला पार्ट। तो यहाँ से अंडरग्राउंड टनल है जो मैं बताया, एक गेट हम अभी छोड़ के आए, ऐसा गेट है अपने नीचे है, यहाँ से ये वे जा रहा है वो वाला, इस दीवार से दीवार के बीच में ये टनल का रास्ता है पूरा, ये यहाँ से होता हुआ इस पैलेस के पास पास में जयगढ़ के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर टनल है यहाँ से जयगढ़ के लिए। टनल यानी कि सुरंग कब यूज करते थे, जब आपका युद्ध हो रहा है, हमला हो गया और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर भागने का, यानी कि आप युद्ध हार रहे हैं, युद्ध हारने की कंडीशन में बाहर निकलते थे ना कि जीतने की कंडीशन। तो सुरंग कब खोलते थे, जब हम युद्ध हार रहे हैं अपने बचाव के लिए भागना है, तो सुरंगीय महलों में खेलों में समय होते थे पहले के जमाने। ये बाउंड्री है 12 किलोमीटर का, वो जयगढ़ के लिए जो मिलिट्री फौज आर्मी के लिए था, ये रहने के लिए वो उस जमाने में आर्मी का था, अब वो म्यूजियम की तरह उसमें कैनन देख सकते हो जाकर के, बड़ा तो देख सकते हैं। हाँ, तोप वाला किला वही है। अब आ गए मानसिंह पैलेस, जिस राजा ने इस महल की नींव रखी उनकी 12 वाइफ थी। तो ये राजा का कमरा है जो बंद पड़ा है, ये बाकी कमरे रानियों के हैं रेस्ट करने के हैं, और यहाँ से ही कॉरिडोर राजा के अंदर ये वाला, ये कॉरिडोर स्क्वायर में है क्योंकि 3 अपार्टमेंट नॉर्थ में नीचे, 3 ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में, ऐसे ही 12 कमरे ऊपर वेस्ट में गर्मी के मौसम आराम करने। राजा यहाँ से निकलेगा, इस महल में जाना ये रास्ता जा रहा है, अगले में जाएगा यहाँ से गया वो उस गेट से फिर नीचे रास्ता उतर गया, तीसरे में जाना वो कोने से चला गया, ऐसे 3 महलों के रास्ते, इधर से पूरब से पश्चिम से चार दिशाओं से। जो प्रोग्राम्स होते थे वो यहाँ होते थे, इसका नाम है बारादरी। फिल्म जोधापुर में तलवारबाजी का सीन फिल्मा था। हाँ, यहाँ पे हुआ है। ये चौकोर बना है एक जैसे चारों तरफ अपार्टमेंट, 3-3-3 अब ऊपर कमरे देखे वैसे कमरे अंदर, अधिकतर अपार्टमेंट बंद है। जो प्रेजेंट में वारिस है वो ये है,
सवाई पद्मनाभ सिंह, इनके प्रॉपर्टी है सिटी पैलेस। ये वाले इनके प्रॉपर्टी सिटी पैलेस जयगढ़ इनके हाथ में है, ट्रस्ट में। ये इनका परिवार है, ये सबसे लास्ट रानी है जो सबसे खूबसूरत भी रही है। अच्छा। और ये वारिस इनके खत्म हो चुके, इनकी ये बेटी, इस बेटी का ये बेटा अडॉप्ट किया हुआ इनका वारिस। अच्छा, हाँ ना, अडॉप्ट के लेना है, अडॉप्ट लिया, बेटी से लिया। अच्छा अच्छा, बेटी से लिया है, बेटा नहीं था। अच्छा ओके, हाँ मुलीचाच मुलगा अडॉप्ट केला। हाँ, ये रानी का ज्वेलरी बॉक्स, गहने कपड़े, ज्वेलरी बॉक्स। और राजाओं के पास जब कोई चारा नहीं होता, युद्ध हार गए तो भगने का रास्ता यहाँ से ऊपर वाले के लिए। अच्छा, ये 2005 में लिखा, ये कढ़ाइयाँ फिल्म जोधा अकबर में सीन हुआ था, खाना बनाने का, कुकिंग का, वो लोग छोड़ गए। अच्छा, आपको आता वो भी है जोधा अकबर मतलब कढ़ाई सोबत। आमचा गाइड आम्हाला वापस मिळाला आहे, आम्हाला एका नाही, आम्ही निघालो आता या किल्ल्यावरून आणि चाललो एक कला बघायला। हा, आमचा गाईड म्हणाला राजस्थान मध्ये दोनच गोष्टी प्रसिद्ध आहे, एक किल्ला और दुसरा कला। चलो अभी कला देखते हैं। आम्ही राजस्थान मध्ये किंवा ओव्हरऑल भारतामध्ये जी काही शॉपिंग केली त्याचा एक स्पेशल व्हिडिओ येणार आहे, त्यामध्ये मी तुम्हाला नक्की दाखवेल आम्ही काय काय शॉपिंग केली। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की सांगा। व्हिडिओ लवकरच, बाय बाय।